फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल इंग्लिश गुरु पर। फ्रेंड्स, देखिए आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। राजकीय इंटर कॉलेजों में खाली पदों पर भर्ती अति शीघ्र। तो फ्रेंड्स, आपको ये पूरी खबर मैं पूरी विद डिटेल कितने किस विषय में पद हैं और कैसे क्या क्या होना है वो सारी जानकारी आपको बताते हैं कौन सा आयोग अब भर्ती करेगा। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट अपडेट आप मिल सके। फ्रेंड्स देखिए, खबर यह है कि नया आयोग कराएगा एलटी ग्रेड के खाली पदों पर भर्ती। तो फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं उसमें एलटी ग्रेड की भर्तियाँ होने वाली हैं और ये मार्च में होंगी। फ्रेंड्स अब देखिएगा, मैं पूरी खबर आपको बताता हूँ। जो नया उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग गठित हो रहा है, जो प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सारे शिक्षकों की भर्तियां करेगा और मार्च से ये फॉर्म में आ जाएगा फ्रेंड्स आयोग। देखें, यहाँ खबर लिखी है 13 विषयों में 3237 पद रिक्त, नए सिरे से होगी कवायद। फ्रेंड्स अभी ये 3237 पद हैं और इस सेशन का रिकॉर्ड मांगा गया है राजकीय इंटर कॉलेजों में, कितने शिक्षक और रिटायर हो रहे हैं तो उनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा और मार्च में इसका विज्ञापन होगा। फ्रेंड्स देखेंगे आगे पूरी खबर को। यहाँ लिखा है फ्रेंड्स, राज ब्यूरो प्रयागराज, अभ्यर्थियों के दबाव पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 जो जुलाई 2018 में हुई थी फ्रेंड्स, 13 विषयों का रिजल्ट घोषित कर दिया है। आयोग अध्यक्ष ने पिछले दिनों अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि बचे हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट भी जल्द घोषित कर दिया जाएगा। पेपर लीक प्रकरण में फंसी इस परीक्षा का रिजल्ट चौंकाने वाला रहा है। आयोग ने 13 विषयों के 7481 पदों का रिजल्ट जारी किया है जिसमें 4244 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। इसमें 3237 पद खाली हैं और खाली पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करके लिखित परीक्षा करानी होगी। माना जा रहा है कि इसके लिए खाली पदों की भर्ती बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा आयोग को मिलाकर बन रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग, ये नया बोर्ड गठित हो रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग द्वारा कराई जाएगी क्योंकि वह मार्च माह में अस्तित्व में आ जाएगा। तो मार्च के महीने में ये बोर्ड गठित होकर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये नए बोर्ड का नाम है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये खबर पूरी बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ है और फ्रेंड्स इसमें आपको पूरी जानकारी ये मिलेगी कि अभी इसमें जो पद मैंने आपको बताए हैं 3237, लेकिन ये पद और बढ़ने वाले हैं। अब वो कैसे बढ़ेंगे उसकी जानकारी ये है कि अभी सामाजिक और हिंदी विषय का रिजल्ट आना बाकी है। अगर उसमें अभी सीटें खाली रहती हैं तो फ्रेंड्स इसमें ऐड होंगी और कुछ नए शिक्षक और रिटायर हो रहे हैं सत्र में, उन पदों को भी मार्च में ऐड कर लिया जाएगा। उसके बाद इसका विज्ञापन किया जाएगा और रिटन बेस्ड एग्ज़ाम रहेगी और फ्रेंड्स इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। तो इसके लिए आप तैयारी में अभी से जुट जाइए जो भी आपका विषय है। तो देखें आगे फ्रेंड्स लिखा है, क्योंकि वह मार्च माह में अस्तित्व में आ जाएगा बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहली बार एलटी ग्रेड की लिखित भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर कराने की जिम्मेदारी दी गई, जिनका अनुभव काफ़ी ख़राब रहा है। आयोग ने 29 जुलाई 2018 को 15 विषयों की लिखित परीक्षा कराई। परीक्षा के दिन वाराणसी में हिंदी व सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक हो गया। वाराणसी एसटीएफ ने मामले की जांच शुरू की और आयोग की तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार, प्रिंटिंग प्रेस के डायरेक्टर सहित कुछ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ की कार्रवाई अभी चल रही है। इधर खाली पदों को भरने की मांग भी उठने लगी है। मौजूदा समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास पहले से काफ़ी परीक्षाएं व परिणाम लंबित हैं, जिसे निस्तारित करना उसकी प्राथमिकता है, जिनको निपटाना ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि किस विषय में कितने पद खाली हैं, तो देखेंगे आप। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में खाली पदों की संख्या काफ़ी अधिक है। इसमें अंग्रेजी में केवल एक पद है फ्रेंड्स, गणित में 600, विज्ञान में 961, कला में 2,
कंप्यूटर में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा हैं 1637 और उर्दू में 8 और शारीरिक शिक्षा में 28 पद खाली हैं। अभी इसमें हिंदी और सामाजिक के पद भी जुड़ने हैं और फ्रेंड्स जैसे इंग्लिश में अभी 1 दिखा रहा है और उर्दू में यानी कला में 2 और उर्दू में 8। फ्रेंड्स ये इस साल जो भी शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उनका भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, इसके लिए सूचना दे दी गई है और जैसे ही उनका डाटा आ जाएगा इधर नया बोर्ड गठित हो जाएगा उसके तुरंत बाद ही इसका एडवर्टाइज हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके लिए आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि सिलेबस एलटी ग्रेड का बहुत ज़्यादा रहता है, इसके लिए आप अभी से तैयार हो जाएं, अपने आप को माइंड मेकअप कर लें कि मुझे इसको अच्छे से तैयार करना है। और फ्रेंड्स इसमें बिना किसी रिश्वत के कोई इंटरव्यू है नहीं है, डायरेक्ट आपको जॉब मिलेगा अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे तो। फ्रेंड्स मैं आपसे पुनः कहूँगा यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट राजकीय इंटर कॉलेज से संबंधित अपडेट आपको मैं पहुँचा सकूँ। थैंक्स फ्रेंड्स।